एंटीबायोटिक के सीरीज में हम लोग नाइट्रो इमिडाजोल क्लास के एंटीबायोटिक्स के बारे में देखे थे, जिसमें ऑर्निडाजोल या मेट्रोनाजोल जैसे ड्रग आते हैं। ये सारी जो दवाइयाँ थी ये पेट से जुड़ी समस्याओं पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो आज हम लोग एक ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जो मेनली पेट में ही रहता है। आप उसको पेट का एंटीबायोटिक ही बोल सकते हो और पेट से जुड़ी समस्याओं के ऊपर ही काम करता है। तो इस एंटीबायोटिक का नाम है आपको रिफॉक्सिमिन। ठीक है, रिफॉक्सिमिन रिफागट नाम से बाजार में बहुत मिलता है। रिफागट 400, रिफागट 200, रिफागट 550 और भी अलग नाम से मिलते हैं। ठीक है, तो रिफॉक्सिमिन रिफम्पिसिन नाम का क्लास से बिलोंग करता है। इसको आप पेट का एंटीबायोटिक बोल सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है, किन तरह के प्रॉब्लम में इसका उपयोग कर सकते हैं, क्या डोज है या फिर प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत दवाइयां में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। रिफॉक्सिमिन जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पर काम करता है, लेकिन मेनली ये पेट पे ही काम करता है। इसका कोई एब्जॉर्प्शन बॉडी में वैसा नहीं होता है। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो रिफॉक्सिमिन क्या करता है कि इसका बीटा पार्ट पे जाके बाइंड करता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं हो पाता। जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होता है तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, क्योंकि उसको जो इसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होता है वो उसको मिलता नहीं है। प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ, डेवलपमेंट, फर्दर सिंथेसिस कुछ भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है और इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक में सिंपल है कि आप इसको ओरल फॉर्म में लेते हो। जब आप इसको ओरल फॉर्म में लेते हो तो ये स्टमक को बाईपास करता है, यानी कि ये एक तरह का फिल्म कोटेड टैबलेट होता है। फिल्म कोटेड होने की वजह से क्या होता है कि स्टमक का जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसमें ये स्टेबल रहता है। जैसा आपने टैबलेट को लिया कैप्सूल के लिए, वैसे ही के वैसे वो इंटेक्ट रहता है। जब वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है तब वो ड्रग रिलीज करता है। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इसका ड्रग रिलीज होता है। इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए बॉडी में ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। और अगर होता भी है तो 1 से 2% ही ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, उससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता है। इसका एक्सक्रीशन फीसस, स्टूल या फिर लैट्रिन के थ्रू हो जाता है। इसका हाफ लाइफ जो होता है वो 6 घंटे का होता है। पेट में ही रहता है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसीलिए बहुत तेजी से बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। इसका एक्सक्रीशन तेजी से होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसका यूजेस का, तो सबसे पहले इसका यूज हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेवलर्स डायरिया में इसका यूज हम लोग करते हैं। ट्रेवलर्स डायरिया में यूज करने का मतलब ये है कि आप इसको एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी यूज कर सकते हो और ट्रेवलर डायरिया होने के बावजूद हो सकते हो। ट्रेवलर डायरिया होता यह है कि जब कोई व्यक्ति कंटामिनेटेड फूड या वाटर खाता है तो उस केस में उसको डायरिया, डिसेंट्री जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ट्रेवलर्स डायरिया नाम रखने का रीजन ये होता है कि जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कहीं कहीं पानी पी लेते हैं या कहीं खाना खा लेते हैं, तो उस केसेस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ पे इसको यूज एज अ प्रिवेंटिव भी कर सकते हो और जब किसी को ट्रेवल डायरिया हो गया तो उसको ठीक करने के लिए भी कर सकते हो। दूसरा इसका यूज है इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम विथ डायरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेट में मरोड़ होना, सूजन हो जाना इंटेस्टाइन में, इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ डायरिया होता है और कभी कभी डायरिया में ब्लड भी आने का ये दिखाई देने लगता है। तो उस केसेस में भी आपका रिफम्पिक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा इरिटेबल बॉयल डिजीज जो होते हैं उसमें एज अ सपोर्टिव रोल ये काम करता है। इसको ठीक तो नहीं करता, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, क्रॉन्स डिजीज हो गया, तो वहाँ पे रिफॉक्सिमिन जो है वो अकेले काम नहीं करता है, लेकिन जो बाकी एंटीबायोटिक के साथ इसका कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं ताकि जो भी सिम्टम्स है वो कम हो सके और जो स्वेलिंग वगैरह है वो कम हो सके, क्योंकि इसका एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होता है। इसके अलावा हिपेटिक इंसेफेलोपैथी नाम का जो एक लीवर से जुड़ी समस्या होती है, जिसमें लीवर टॉक्सिन्स यानी जो हमारे बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करता है उसको छानने में, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, टॉक्सिन्स को छान नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड के साथ ब्रेन में पहुंचता है, ब्रेन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, ब्रेन फंक्शन अल्टर हो जाता है। तो उस केसेस में भी रिफॉक्सिमिन का यूज करते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा इसका एक और यूज है ऑफ लेबल यूज, मतलब कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये वहाँ पे इफेक्टिव है। उसका नाम है आपको इंटेस्टिनल बैक्टीरियल आउटग्रोथ, यानी कि इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग गट बैक्टीरिया बोलते हैं, उनका बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाना, जिसकी वजह से डायरिया, डिसेंट्री से प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। उस केसेस में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। और अगर पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव जो सर्जरी है पेट के, इंटेस्टाइन के,
उसमें इसका यूज करते हैं ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये इसका यूजेस है। डोज जैसे मैंने बताया 200 mg, 400 mg और 550 mg का आता है ये, जैसा जरूरत होता है वैसा डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूँ तो कोई ऐसा बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो पेट से जुड़ी होती है, जैसे ब्लॉटिंग हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, गैस बन जाना, या फिर नौसिया वॉमिटिंग जैसा लगना, और कभी कभी हेडेक देखने को मिल जाता है। अगर ड्रग इंटेक्शन की बात करें तो कोई खास इसका ड्रग इंटेक्शन नहीं है, कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ इसको नहीं लेना चाहिए जो गट के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकें, उनके साथ इसको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इसको नहीं लेना चाहिए, और वैसे दवाइयाँ जो गट इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनके साथ भी इसको नहीं लेना चाहिए। ये तीन तरह के दवाओं के साथ ये इंटरेक्ट करता है, और ऐसा कोई एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो नहीं रहा है, ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट या फिर कोई इसका ड्रग इंटरेक्शन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में ये सेफ है, क्योंकि ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो नहीं रहा है, तो ब्लड के थ्रू ये प्लेसेंटा तक नहीं जा सकता है, बच्चे तक नहीं जा सकता है, तो प्रेगनेंसी में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जब भी कोई भी दवा का उपयोग करिए, चाहे वो प्रेगनेंसी का केस हो या फिर नॉर्मल केस हो, बिना डॉक्टर की सलाह के इसका उपयोग प्लीज़ मत करिए। वैसे डॉक्टर का सलाह लेके ही इसका उपयोग किया करिए। कोई भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, कोई भी किसी तरह का यूट्यूब में वीडियो है, वो आपको प्रिस्क्राइब करने के लिए नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में लोग फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।